नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सभी विभागों ने वित्त मंत्रालय को दिए बजटरी एस्टीमेट। आम जन के लिए सुविधाजनक व ई गवर्नेंस के मॉडल को मजबूत करेगा यह बजट। जनस्वास्थ्य विभाग की क्षमता संवर्धन पर दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न। ट्यूबवेल संचालन व पीने के पानी बचाने के दिए सुझाव। नशा तस्करों के खिलाफ अंबाला पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान। भारी मात्रा में नशा किया बरामद। और अब समाचार विस्तार से। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जजपा नेता के घर विवाह समारोह में शामिल होने अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने नवविवाहित जोड़े को शादी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। आगामी बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों ने बजटरी एस्टीमेट वित्त मंत्रालय को दे दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बजट आम जन के लिए सुविधाजनक व ई गवर्नेंस को मॉडल को मजबूत करने वाला होगा। वहीं बरसात से हुए फसल के नुकसान के मुआवजे के सवाल पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाल ही में हमारी सरकार ने पिछले साल 10 जिलों में हुई खराब फसल का 562 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया है। दो जिलों का 150 करोड़ रुपए अभी आगामी दिनों में बटेगा। जनवरी में हुई बारिश से जो गैर बीमित किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उसकी पटवारी गिरदावरी कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद सरकार किसानों को जरूर मुआवजा देगी। क्या कुछ तैयारियां सरकार की? ऑलरेडी अलग अलग विभागों ने अपनी ओर से जो उनके बजटरी एस्टीमेट्स हैं उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल का जो बजट होगा वो आम जन को बेहतर सुविधा और कैसे ई गवर्नेंस के मॉडल को और मजबूत किया जाए उसके प्रति बेहतर रखेगा। केंद्र के बजट ने भी डिजिटलाइजेशन का लाभ पूरी तौर पर उठाने का काम किया है, और प्रदेश का बजट भी इस और एक नया कदम उठाया। सर, बारिश से काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है हरियाणा साथ, अंबाला में भी ओलावृष्टि भी साथ में हुई है। तो देखिए, हमने पिछले दिनों 562 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 जिलों में जो पिछली फसल खराब था उसका बांटा है। दो जिलों का लगभग 150 करोड़ और अभी बटना है, और उसके साथ साथ इस साल की भी ऑलरेडी जो पटवारी जनरल गिरदावरी करते हैं वो चल रही है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी और जहां नॉन इंश्योर्ड लोग हैं उसके ऊपर सरकार जरूर उनको भी मुआवजे की राशि देने का काम करेगी। सर, महंगाई को लेकर कोई राहत मिल सकती है बजट में इस बार हरियाणा की? महंगाई को लेकर हरियाणा प्रदेश का बजट तो कोई स्पेसिफिक नहीं होगा। जो GST की दरों में चेंज आएगा वो भी केंद्र करेगी। जो कोई और आपके टैक्सेशन के अंदर दर ऊपर नीचे होगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सर, रोजगार को लेके ऐसे पूछा जा रहा है, सर क्या कुछ खास स्कीमें और क्या इम्प्लीमेंटेशन अब तक उसका नजर आ रहा है? आप पहले हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और उसके साथ साथ जो अन्य पॉलिसी प्रदेश में आई है उसको पढ़िए, और उसका नतीजा है कि आज मारुति हो, फ्लिपकार्ट हो, ATL हो, ऐसी बड़ी कंपनी हरियाणा प्रदेश में निवेश कर रही है। उस क्राइसिस में जहां दुनिया भर में कंपनियां बंद हुई, वहां IT सेक्टर का इतनी बड़ी मात्रा में आना ये दर्शाता है कि हरियाणा एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सर, सरकारी नौकरी को लेकर सर इस बार क्या? स्टाफ सिलेक्शन और पब्लिक सर्विस कमीशन दो ऑटोनोमस बॉडी है, उनके प्रोसेस रेगुलरली चल रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट मिलती रहेगी। किसानों को बजट में इस बार क्या कुछ मिलेगा? अंबाला में पुलिस प्रशासन नशा तस्करों पर सख्ती बरता नजर आ रहा है। नशा तस्करों के खिलाफ अंबाला पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, और इस पूरे अभियान के विषय में SP जशनदीप सिंह रंगावा ने संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 20 दिनों में कुल मिलाकर 2 किलो 46 ग्राम गांजा, 316 ग्राम हेरोइन, लगभग 3230 नशीले कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, और उन्हें यकीन है कि इससे भी बड़ी सफलता हासिल होगी और नशे की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। अंबाला पुलिस द्वारा एक NDPS और नशा तस्करी के खिलाफ खास अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे को अच्छी सफलता हासिल हुई है। पिछले लगभग 1.5 महीने के अंदर हमने लगभग 20 मुकदमे दर्ज किए हैं, और ख़ास तौर पे जो 2022 की फरवरी के अंदर पिछले 20 दिनों के अंदर हमने 9 मामले NDPS एक्ट के अंदर दर्ज करके और 13
आरोपियों को हमने जेल में पहुंचाया। इसमें मुख्य रूप में दो हमारी मेजर रिकवरीज रही हैं। इसमें CIA नारायणगढ़ द्वारा 19 फरवरी 2022 को आरोपी अंकित कुमार उर्फ मोगली निवासी गांव उगाड़ा थाना बराड़ा और रमेश्वर उर्फ विक्की निवासी बुहाना थाना बबैन जिला कुरुक्षेत्र को अरेस्ट करके और 120 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त इनसे रिकवर की गई थी, जो कि एक कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर आती है। इसी तरीके से 20 फरवरी 2022 को CIA 1 अम्बाला द्वारा तीन आरोपियों को, जिनमें राहुल उर्फ लल्लू, रोहित निवासी डेहा कॉलोनी और महिला सिमरन को 300 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें जो 300 ग्राम हेरोइन है, ये भी कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर आती है। इसमें हमने जो पूरी की पूरी उनकी चेन है उसको भी हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर जो भी तस्कर इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्स जो है वो भी हम चला रहे हैं। टोटल अगर देखा जाए तो हमने पिछले 20 दिन के अंदर 2 किलो 46 ग्राम गांजा, 316 ग्राम हेरोइन, 120 ग्राम डोडा और लगभग 3230 नशीले कैप्सूल हमने बरामद किए हैं। और ये अभियान अभी आगे भी जारी रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आने वाले टाइम में नशे के ऊपर इससे रोक भी लगेगी और आगे हमें और सफलता मिलेगी। बिजली निगम में फर्जी वाउचर से सरकारी खजाने से पैसा निकालने का खुलासा सामने आया है। 9 फरवरी को पानीपत के समालखां के एक टैक्सी ड्राइवर अनिल कुमार शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने शिकायत में कहा कि दो लोगों ने उसे लोन दिलाने का झांसा दिया और बाद में उसके खाते में 3,50,000 रुपए आ गए और वही लोन का झांसा देने वालों ने वे पैसे उसके अकाउंट से निकलवा कर वापिस ले लिए। उसने बैंक जाकर पता किया तो पता चला कि यह पैसे बिजली निगम के अकाउंट से आए थे। मामले में पानीपत के CIA टीम ने शिकायत लेते हुए बिलासपुर के एक्सनर नीरज और अकाउंटेंट योगेश लांबा को गिरफ्तार किया है। और इसी बीच नीरज ने बिलासपुर में शिकायत देकर LDC राघव योगेश लांबा और चक्रवर्ती शर्मा पर 63,00,000 रुपए के फर्जी वाउचर से निकालने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। वहीं तीसरा मामला अब शहर यमुनानगर थाने में राघव और योगेश लांबा के खिलाफ दर्ज किया गया है। जगाधरी डिवीजन के एक्सएन ने इन पर 25,00,000 रुपए के फर्जी वाउचर से निकलवाने का आरोप लगाया और इस तरह अब तक 88,00,000 रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर हमारे बिलासपुर डिवीजन के अंदर एक मिस्टर योगेश लांबा और एक राघव LDC हैं, तो उनके बनाए हुए कुछ वोचर हमें मिले थे बोगस, जो उन्होंने डुप्लीकेट बोगस वोचर बनाए हैं। वो तकरीबन कोई 25,00,000 की अमाउंट के थे, जिसके बिहाफ पे एक्सएन बिलासपुर ने FIR दर्ज करवाई है। क्या सर, कितनी की जो है निकली है, इन्होंने जो गबन किया है और क्या आगे कार्रवाई हो रही है? गमन के लिए तो हमने अभी ऑडिट डिपार्टमेंट को लिखा था, ऑडिट की टीम आई हुई है बिलासपुर में, जो कि 28 तक उसकी डिवीजन का ऑडिट करेगी, तभी पूरी अमाउंट का पता चल पाएगा सर, एग्जैक्ट अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो पानीपत जगाधरी थाना में भी मामला दर्ज कराया जा रहा है वो? हाँ, सिटी थाना यमुनानगर में एक FIR हमने यहाँ से करवाई है, जो जगाधरी एक्सन है उन्होंने करवाई है, सबरमन वालों ने, उनके यहाँ भी 4-5 वोचर इसी तरीके से बोगस पाए गए थे, जिसके बिहार पे हमने वहाँ FIR दर्ज करवाई। तो सर ये बताया जा रहा है कि बोकस के थ्रू इन्होंने कहीं एंट्री कई लोगों के खिलाफ कराई है? हाँ जी। अमाउंट क्या था वो ऐसे है सर, जैसे किसी की ग्रेजुटी, हमारे एम्प्लॉय की ग्रेजुटी वगैरह आती है, वो एक चेक तो उन्होंने उस ग्रेजुटी का उस एम्प्लॉय के खाते में जमा करा दिया, लेकिन उसके एक महीने या दो महीने के बाद उसी का ही दोबारा एक वोचर बना के दोबारा फिर पेमेंट करवा ली, जो कि किसी और के खाते में ट्रांसफर की जा रही थी। जो पानीपत CIA पुलिस आई थी वो क्या करने है सर? वो भी सर एक वहाँ पर संभालखा के अंदर कोई आदमी ड्राइवर था अनिल कुमार, जिसके खाते में अचानक से कुछ 3,50,000 रुपए की अमाउंट गई थी, उससे दो आदमियों ने वो पेमेंट वापस ले ली थी। तो वो आदमी ने जब थाने में जाके वेरीफाई किया कि ये ना बैंक में जाके वेरीफाई किया कि तो पता चला कि ये बिजली महकमे की तरफ से पैसे आए हुए हैं उसके अकाउंट में, जो कि बैंक वालों ने बताया कि उसको आपको वापस करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को, तो इससे वो घबरा के थाने में चला गया और उसने वहाँ FIR दर्ज करवाई इसकी। तो कितने लोगों को गिरफ्तार करके ले गए पानीपत? अभी तक तो सर यहाँ हमारे जो अकाउंटेंट हैं
बिलासपुर डिवीजन के अंदर और एक उनके जो एक्शन साहब है नीरज कुमार जी, उन दोनों को अरेस्ट किया। प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों ने अम्बाला में एसपी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया हुआ है, जिसको देखते हुए अम्बाला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। आशा वर्करों के प्रदर्शन से पहले दिन चढ़ते ही अम्बाला एसपी कार्यालय जाने वाली पुलिस लाइन रोड को अम्बाला पुलिस द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पुलिस लाइन रोड पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके साथ साथ हालात बिगड़ने पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागने का भी इंतजाम किया गया। जानकारी देते हुए ड्यूटी पर तैनात महिला एसएचओ ने बताया कि आशा वर्करों के प्रदर्शन की कॉल के मद्देनजर ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करते हुए पुलिस लाइन रोड पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सर, आज आशा वर्कर्स की आज एक कॉल थी कि आज एसपी ऑफिस में आएंगे सभी, तो अभी तक तो कोई यहाँ पे पहुँचा नहीं है। फोर्स सारी तैनात है और जैसे ऑफिसर्स के आदेश होंगे सर, वैसी कार्रवाई आगे की जाएगी। कितने बजे तक ये फोर्स यहाँ? सर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैम स्कूल है यहाँ पर, छुट्टी होनी है 2 बजे के करीब, तो अभिभावकों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना? सर स्कूल के बच्चों और अभिभावकों को कोई परेशानी नहीं आएगी सर, उनको फुल कोऑपरेट किया जाएगा। मॉर्निंग में भी सर स्कूल ओपन हुआ है, सभी आना जाना, स्कूल वालों का आना जाना लगा रहेगा। कोरोना पर 100% सफलता पाने के लिए रतिया में कोरोना टीके की खुराक देने का कार्य अस्पताल के साथ साथ स्कूलों और गांवों में भी बढ़ चढ़कर चल रहा है, जिसमें लोग बिना किसी भय के वैक्सीन लगवा रहे हैं। यह जानकारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार ने देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों के उत्साह और किशोरों के टीका लगवाने के जोश को देखते हुए आगामी 6 दिनों में 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने स्कूलों में जाकर 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की खुराक दे दी है। अधिकांश बच्चों को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। बच्चे खुद भी टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर टीमें हमने बना चुके हैं और बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा है। सभी जगह और गांव में भी वैक्सीनेशन हो रहा है, स्कूलों में भी वैक्सीनेशन, जैसे कि हरियाणा सरकार के निर्देश अनुसार स्कूलों में भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पहले गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि स्कूल में एंट्री तभी देनी है जब बच्चे का वैक्सीनेशन होगा। इसके तहत हम जो जितने भी स्कूल हैं सब में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और काफ़ी हद तक बढ़िया चल रहा है। तो गांवों में भी सभी कैंप लगाए जा रहे हैं? हाँ, गांवों में भी कैंप लगाए जा रहे हैं और गांवों के साथ साथ शहरों में सभी जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। अलग अलग टीम बनाकर इसको किया जा रहा है। क्या अपील करना चाहोगे? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी सभी वैक्सीनेशन करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोरोना से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन लगाना, मास्क पहनना, ये है चीज़ इसमें। तो टारगेट जो वैक्सीनेशन का, जैसा कि हमने कैंप लगाए हैं शहरों में और गांव में, 100% वैक्सीनेशन फरवरी के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा, क्योंकि हम जो स्कूलों के अंदर बच्चों को एंट्री वैक्सीनेशन से दी जा रही है, तो लगता है कि कंप्लीट जल्दी ही हम पा लेंगे 100%। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षमता संवर्धन पर 2 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन भी बीडीपीओ कार्यालय परिसर में कार्यशाला का समापन समारोह हुआ, जिसमें विभाग के एसडीओ रखा राम ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बैठक में विभाग के सभी जेई अधिकारियों व पंप संचालकों आदि ने भाग लिया। मुख्य अतिथि एसडीओ रखा राम ने अपने संबोधन में कहा कि पीने के पानी की मात्रा धरती के नीचे एक सीमित मात्रा में रह गई है, जिसके चलते पीने का पानी का सदुपयोग करना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पानी की व्यर्थ बर्बादी पर अंकुश लगाना भी जरूरी हो गया है। नमस्कार सर। सर आज जो ये जल जीवन का जो प्रोग्राम आप लोगों ने किया है, किस चीज़ पर आधारित है और क्या कुछ पूरा मैटर है? आज का सेमिनार जल जीवन मिशन के विषय में, जो जल जमीन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनको समझाने के लिए, उनके अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किया गया है। जल जो है भविष्य में बहुत दूर होने जा रहा है, जल की वेस्टेज को रोकने के लिए और जल की महत्ता के बारे में बताया गया है। पानी की कीमत राजस्थान में जाके पता लग सकती है, जहाँ पे एक बूंद के लिए तड़पना पड़ता है। हरियाणा में जो वेस्टेज हो रहा है उसको रोकना है, अगर हमने वेस्टेज रोकने में कामयाबी पा ली तो हम समझेंगे कि हमारा जल जीवन मिशन सफल हो गया। सर आपका नाम? रखा राम, मैं उपमंडल अभियंता लाडवा कार्यरत हूँ।
फरीदाबाद में नगर निगम कर्मचारियों ने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से सरकार के साथ उनकी कुछ मांगों को लेकर बात चल रही है, जिनमें से कुछ मांगों को सरकार द्वारा पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और दरअसल ये कि आज जो सरकार की वादा खिलाफी है उसको लेकर हम अपना एक दो दिन की जो एक 22 और 23 की गेट मीटिंग कर सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वो जो वादे किए हैं सरकार ने कर्मचारियों से, वो अभी तक वादों पे खरी नहीं उतरी है। अच्छा, क्या थे आपके वादे जो सरकार ने? हमारे भाई जैसे कि आज कोरोना में जो हमारे एक नाम दिया गया सफाई सैनिक, उसके चलते हुए ना तो कोई कर्मचारियों को पक्का कराया है। आज 20-20 सालों से कर्मचारी कच्चा है और समय में वेतन नहीं मिलता, कैशलेस की जैसे मांग डिमांड है, क्योंकि हमारा कर्मचारी बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, पैसे नहीं होते, तो हमें कहते सरकार को ये लिखा भी कैशलेस हो और एक बीमा है सरकार का। और सबसे बढ़िया बात इस सरकार ने हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया है, क्योंकि और जी का दिया है, 50 लाख का दिया है, कहीं 20 लाख का दिया और हमें सिर्फ 10 लाख का ही दिया है। ऐसा जो दोहरा व्यवहार करा है सरकार ने, इसके खिलाफ हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं। अगर सरकार आपकी ये मांगे नहीं मांगती है तो किस प्रकार की रणनीति रहेगी आपकी? ये जो हमारी रणनीति रहेगी, आगे फिर ये आंदोलन बढ़ेगा। अच्छा, और अम्बाला में बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का एक मामला सामने आया है। शराब के नशे में कलयुगी पिता ने 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। पिता की हवस का शिकार हुई लड़की ने पुलिस को इसके अवगत कराया और पिता के खिलाफ केस दर्ज करवाया। एक बच्ची है जिसकी एज 13 साल है और बलदेव नगर एरिया की रहने वाली है। बच्ची के आरोप है कि कल लेट नाइट उसके फादर द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है, जिसमें उसके फादर की एज 45 के करीब है, जिसमें हमने अभी एफआईआर लोज की है और बच्ची का अभी मेडिकल होना पेंडिंग है। फरीदाबाद के सेक्टर 31 पुलिस लाइन में रह रही महिला हेड कांस्टेबल की हत्या और उसके पति का फांसी के फंदे से झूलता हुआ शव देकर पुलिस भी हैरान रह गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा होगा। पुलिस की माने तो महिला हेड कांस्टेबल के परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके खिलाफ भी शिकायत पुलिस में देंगे, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सुबह सूचना मिली थी पुलिस लाइन क्वार्टरों में फांसी खाली है, उस सूचना पर हम पुलिस लाइन पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जाके देखा तो हमने तो उसका जो पति है धर्मेंद्र नाम है जिसका, वो फांसी पे लटका हुआ था और उसकी जो मिसिज थी सरोज नाम है उसका, हेड कांस्टेबल है वो, बेड पे लेटी हुई थी। तो हमने मौके पर स्पेशल टीम जो बुलाई गई है उन्होंने जाँच की है। जाँच करने के बाद ये पाया कि भाई इसकी तो अभी जो हत्या हुई है और इसने फांसी खा रखी है, बाकी अभी उसके वारिस आए नहीं है लड़की के, लड़का पक्ष के वारिस आ गए हैं। लड़की पक्ष जैसे ही आते हैं जो भी हमें बयान देंगे, दरखास्त देंगे, तो हम कार्रवाई करेंगे। बाकी जो मौत की वो है भाई, उस लेडीज़ की मौत गले घोटने से हुई है या कैसी हुई है वो पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। देखिए ऐसी अभी हमारे सामने कोई बात नहीं है, आई नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन उसकी एक तरह अलग से जाँच होगी, जाँच में जो भी बातें सामने आएगी वो क्लियर हो जाएगी। और उम्र इस लेडीज की करीब होगी जी 32-33 साल की होगी और महिला थाना NIT में तैनात थी है। पति क्या करता था? पति अपना प्राइवेट जॉब है, जैसे अपनी टैक्सी चलाते थे वो, उनके पास वो गाड़ी है। बच्चे वगैरह हैं? एक लड़का है, उसकी उम्र करीब 13-14 साल की है। दोनों पुलिस लाइन में मतलब? हाँ, पुलिस लाइन में क्वार्टर ले रखा था सरकारी और 60 नंबर क्वार्टर में सरकारी में रहती थी। और फरीदाबाद के संत नगर में रेलवे रोड के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया और कंट्रोल रूम से सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया है। फिलहाल स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान संत नगर के रहने वाले 39 साल के हरिओम के नाम से हुई है, जिसकी चाकू से गोद कर हत्या की गई। मृतक के भाई भगवान दास ने बताया कि हरिओम उसका छोटा भाई था और पेंट का काम करता था, उसका किसी से रंजिश या लेना देना नहीं था। आखिर किन लोगों ने उसकी हत्या की है उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। फिलहाल उन्होंने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। रोल सर, संतनगर में एक मर्डर का मामला है, क्या है ये पूरा वाक्य सर?
देखिए आज हमें कंट्रोल रूम के मार्फत पता चला था कि रेलवे रोड के पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो वहाँ पर जाके पता चला कि हरिओम नाम का व्यक्ति है जिसकी एज करीब 39 ईयर है, उसका किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है, जिस पर हमने इस पर अपने मुकदमा दर्ज करके 302 की कार्रवाई हम कर रहे हैं। फिलहाल इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। तो मृतक का क्या नाम है और उम्र कितनी होगी सर? इनका नाम हरिओम है और एज है 39 ईयर्स। 39 ईयर्स। सर कोई आपसी रंजिश या किसी प्रकार कोई प्रथम दृष्टि कुछ निकला नहीं? अभी रंजिश की तो कोई बात नहीं है, बाकी हम हर एंगल से इसका क्राइम के साथ मिलकर हम इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसको शीघ्र ही इसका पता चलाएंगे कि इसका मर्डर किस कारण से हुआ है। परिजनों ने कुछ आशंका जताई होगी किस तरीके से हुआ है कोई हो? नहीं अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बताया कि 9:30 बजे तक करीब हमारे पास ये था, ग्रैंड कॉलोनी में गया था अपने भाई के पास और उसके बाद फिर जब अपने घर जा रहा था तब ये रात को किसी टाइम इंसिडेंट हुआ। तो काम क्या करता था सर? ये पेंटर का काम करता गुड़गांव में। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? हमने 302 के FIR दर्ज कर दिया और पोस्टमार्टम इसका करवा रहे हैं। चच्चा बच्चा केस के मामले में महिला की मौत पर हेरिटेज हॉस्पिटल और QRG हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने पर परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। उससे पहले ही परिजन पुलिस कमिश्नर CMO और स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत दे चुके थे, शिकायत जिस पर सरकारी अस्पताल में 23 फरवरी को मेडिकल बोर्ड द्वारा सुनवाई होनी थी लेकिन महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर ये अभी तो QRG में सिर्फ नर्सिंग केयर के लिए लाए हुए थे हम यहाँ पर प्रयाग में, जहाँ आज मौत हुई यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ तो सिर्फ नर्सिंग केयर के लिए एडमिट किया था। ये केस बिगाड़ दिया था हेरिटेज वालों ने और QRG वालों ने। एक जच्चा बच्चा का ये केस था, मेरे दोस्त की वाइफ का कोमल जो आज खत्म हो गई है, एक नॉर्मल सा केस था जिसको इन्होंने बिगाड़ दिया और आज फाइनली आप देख पा रहे हैं सब लोग यहाँ मौजूद हैं, परिवार वाले हमारे मित्र जो भी हैं जिनको पता चल रहा है कि आज हमारी भाभी खत्म हो गई है, सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और सर हेरिटेज की लापरवाही है और QRG की लापरवाही है, इन दोनों अस्पतालों की लापरवाही है। प्रयाग का इसमें कोई रोल नहीं है, इन्होंने सिर्फ हमारी हेल्प की है नर्सिंग केयर के लिए। हम लोग यहाँ पे लास्ट जब हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए, हम लोग बर्बाद हो गए, हमें भगा दिया गया QRG से, हमें डराया गया कि आपका पेशेंट दोबारा इन्फेक्टेड हो जाएगा, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आपका मरीज एक बार इन्फेक्टेड हो चुका है ICU के अंदर, हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ हम बिल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। सर हमने बिल्कुल इत्तला कर रखी है पहले से ही और हमारा 23 तारीख को एक मेडिकल बोर्ड भी बैठने वाला है BK हॉस्पिटल में। हमने SIT जांच की मांग की हुई है, रिटर्न में हमने लिख के दी हुई है, ACP फरीदाबाद, कमिश्नर फरीदाबाद, CMO फरीदाबाद में, हमने स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा को भी लेटर लिखा हुआ है कि हमारे साथ लापरवाही की गई है, हमारे ठीक ठाक मरीज को बेकार कर दिया गया है। आज हमारा मरीज मौत की कगार पे था और आज ख़त्म भी हो गया है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है? सर पुलिस ने भी कार्रवाई ये की है कि हमारे जो बयान वगैरह थे, जो हमारी शिकायत थी वो सुनी, दर्ज किया है और अभी हमारा हम पे एक लेटर भी आया हुआ था। अब 23 तारीख को हमारा मेडिकल बोर्ड बैठना था यहाँ पर फरीदाबाद में BK हॉस्पिटल में और आज उससे पहले ही हम घटना यमुनानगर के बुटर विहार कॉलोनी की है, जहां एक महिला कपड़े का काम करती है। वह किसी सिलसिले से उत्तर प्रदेश गई हुई थी और पीछे से उसके दोनों बच्चे घर में अकेले थे, जिस पर बेटा स्कूल गया हुआ था और लड़की घर में अकेली थी। ऐसे में एक पुरुष और एक महिला उसके घर में दाखिल हुए और उसे कपड़े दिखाने की बात कही। जैसे ही लड़की चाबी लेने के लिए घर के अंदर घुसी, महिला ने उसके पीछे घुसकर मारपीट शुरू कर दी और उसके गले पर चाकू रखकर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर अलमारी से कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। बाद में लड़की के शोर मचाने पर नीचे रह रहे किराएदारों ने दरवाजा खोला और उसने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी को अंजाम दिया गया, किस तरह से दिया गया, क्या सूचना? हमारे को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी बुटर विहार कॉलोनी में एक आदमी एक औरत घर में आके लूट करके ले गए। किस तरह से लूट की गई? उन्हें आके पूछा भी आप कपड़ा बेचते हैं, इनकी जो कंप्लेनेंट है कृष्ण लाल लड़की के पिता हैं, लड़की की माता कपड़ा बेचने काम करती है, तो उन्होंने पूछा लड़की को आके भी हमने कपड़ा खरीदना है, तो लड़की ने कहा मैं अभी चाबी लाती हूँ अंदर से। जैसे वो चाबी लेने गई उसको उन्होंने काबू कर लिया, एक आदमी एक औरत थे ना मालूम आदमी और तो बंदर भी बनाया गया बच्ची को। हाँ जी बच्ची को बंदर बना के लूट ली गई कुछ सुनने हाँ उसको अंदर बंद कर दिया था और फिर अलमारी से जेवर वगैरह अंदर से लूट करके ले गया। किस तरह से लूट किया, मतलब काटा कैसे, उसको तोड़ के ले गए या? हाँ तोड़ अलमारी को ना पीछे गिरा के अलमारी को पीछे से तोड़ के और उसमें जेवर वगैरह जो रखे थे उनको लड़की को बंद करके और उसको लूट कर ले गए। बच्चे को बेड में बंद करके कैसे?
ऑटो जी तफ्तीश में सारा हम एफ आई आर दर्ज बयान लिख लिए हैं। एफ आई आर दर्ज करके सारी जैसी तफ्तीश में कार्रवाई आगे चलती रहेगी, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कलायत नगर की धरा पर मुहूर्त की प्राण प्रतिष्ठा की संध्या पर महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। वहां गुगा परिसर में हवन यज्ञ का भंडारा लगाया गया और वहां पर महिला मंडल ने शिव परिवार मंदिर का निर्माण करवाया। चार गुगा पीर परिसर में नवनिर्मित शिव मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व नगर में महिलाओं ने बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। देखिए आज गोगा जी माड़ी में कलायत में भगवान शिव का बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है और इसका श्रेय यहाँ की महिला संगत को दिया जाता है, जिन्होंने एक एक पैसा एक एक रुपया इकट्ठा करके यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से शहर निसिंग में एक शोभा यात्रा निकाली गई। शिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हाथों में शिवरात्रि के ध्वज लेकर पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और शिव का संदेश दिया गया कि परमात्मा शिव इस धरती पर आकर स्वर्णिम बनाने का कार्य कर रहे हैं। जन जन को जागृति देने के लिए ब्रह्म कुमारी की तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली गई और शिव का संदेश भी दिया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला डैम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।